तो मैं बताने वाली हूँ कि धर्म की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार हम आत्मा को प्राप्त होते हैं। धर्म की आवश्यकता संतुलन के लिए। आज आपने देखा कि तबले पर वजन, जिसे कहते हैं वजन, कितना संतुलित था। हाथ का वजन सितार पर कितना संतुलित था। कहाँ वजन देना है, कहाँ नहीं देना, कितना उसका अंदाज बराबर था। इसी प्रकार जीवन का भी वजन संतुलित रखना चाहिए। संतुलित रखने के लिए मनुष्य को किसी भी अति पे नहीं उतरना चाहिए। कोई है कि अपनी इच्छाओं को इस कदर ज्यादा महत्व देते हैं कि उसके लिए कोई सा भी कर्म नहीं करते, और कुछ लोग अपने कर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि इच्छाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जो मनुष्य अपना जीवन संतुलित रखता है, उसके अंदर इच्छाएं भी संतुलित रहती हैं और उसका कर्म भी। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं भी इतना बड़ा हॉल खड़ा करूं। समझ लीजिए, अब इतना मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं, और ना जमीन है, तो मैं इतना बड़ा कैसे खड़ा कर सकती हूं। पर मैं अगर सोचने लग जाऊं कि नहीं मैं करूंगी ही, अब उसी जिद में मैं पड़ जाऊं, मेरे मन में ये इच्छा हो जाए कि मैं जाकर के और गवर्नर साहब के घर में रह जाऊं, तो क्या वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन जब मैं उस कर्म में लग जाऊंगा तो पता होगा कि ये इच्छा जो मैंने की संतुलित नहीं, क्योंकि जो कर्म में नहीं उतरती है वो इच्छा बेकार है। अब दूसरे लोग जो होते हैं अतिकर्मी, जैसे कि इस दिल्ली में बहुत सारे हैं, कारण ये सरकारी नौकरी जो करने निकले तो सुबह के गए हुए रात को 11 बजे तक जब तक नहीं आएंगे तो सोचते ही नहीं कि उन्होंने अफसर को दिखाया कि हम काम करते। और अफसर लोग सोचते हैं कि जब तक वो 1 बजे तक रात में दफ्तर में नहीं बैठेंगे तब तक मिनिस्टर साहब मानेंगे ही नहीं कि वो काम करते। पागल जैसे बिल्कुल काम में लगे रहे। और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपनी बीवी है, बच्चे हैं, और पहचान वाले दोस्त आदि हैं, अरे हमारा किसी से मतलब नहीं, हम तो शहीद आदमी हैं, हम तो काम करें, ऐसे लोग मैंने देखा कि 40 साल तक भी जीले तो नसीब समझ लीजिए, 45 के बाद कोई नजर नहीं आता। लेकिन जो आदमी संतुलित होता है वो काम भी अच्छा कर सकता है, बढ़िया काम कर सकता है, एफिशिएंट भी होता है, और उसका बुढ़ापा भी अच्छा कटता है। लेकिन आप ऐसे अनेक लोग पाइएगा कि जो पागलों की तरह काम पर लगे रहते, और काम जितना हो रहा है अपने देश में उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ठीक है, और सब लोग काम बहुत करते, मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं देता। जो जहां खुदा पड़ा है वहां खुदा पड़ा है, जो बिगड़ा पड़ा वो बिगड़ा पड़ा है। एक हम लोग बचपन में खेलते थे खेल, उसका नाम था जहां पड़ी वहां सड़ी। वो चीज अपने देश की है, लेकिन अपने यहां जितने लोग काम करते हैं उतने तो कोई भी देश में लोग नहीं काम करते, और सबसे इनएफिशिएंट देश अपना। उसकी वजह यह है कि एक हद तक पहुंचने पर ये कर्म करने वाला भी थक जाता है, उसको दूसरी साइड भी देखना चाहिए, तब फिर इसको जांचना चाहिए अपने इच्छाओं में। अगर मुझे संगीत सुनने की इच्छा है और मेरे पास टाइम नहीं तो मैं धीरस हो जाऊंगी। मेरा एक जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा बहुत पागलों तरह लोग रास्ते में दौड़ते हैं,
जॉगिंग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग इनमें से मैंने देखे, वो आके मुझे बताते हैं कि माँ हम तो स्थित प्रज्ञ हो गए। मैंने कहा कैसे? मेरी माँ मर गई तो भी आंसू नहीं आए, मेरे बच्चे मर गए मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरी बीवी मर गई मुझे परवाह नहीं। अरे वाह, ये स्थित प्रज्ञ की भाषा कहां से आ गए? इतने नीरस हो जाते हैं। फिर अपने हाथी योगी होते जो सर के बल खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा राइट साइडेड, आज सर के बल खड़े हुए तो पता नहीं कल क्या अतड़ियां निकाल देते हैं पेट में से। मेरा तो घबराहट हो जाती किसी को देखती हूँ कि बाप रे बाप अब क्या होने वाला। अब उसमें जो लग गए तो इतने ज्यादा उसमें घुस जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं, ये पागलों की तरह उसमें भी लग जाए। और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है। ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होंगे, बीवी से झगड़े होंगे, उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती, वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं। उनको दूर ही से बात करना ठीक है, अगर सो रहे हो जगाना हो तो एक लकड़ी से जगाइए दूर से, नहीं तो आपको ठिकाने लगा देंगे। और जो दफ्तर में इतना ज्यादा काम करते हैं वो भी बहुत क्रोधी होते हैं। कारण ये कि दफ्तर में तो साहब हमेशा बिगड़ते रहता है, वो सारा आकर के बीवी पर बिगड़ना, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ये एक सर्वसाधारण बात मैंने आपसे कही, लेकिन धर्माचरण जो है उसमें भी हम अतिशयता जब करते हैं और लेफ्ट में बहुत चले जाते हैं तो अब भक्ति में लग गए तो क्या कि वो 65 मरतबा हाथ धोएंगे और 80 मरतबा पैर धोएंगे। सहयोग में भी कुछ कुछ लोग ऐसे पागलों तरह करते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं भाषण दे रही हूँ और अपने चक्र चला रहे हैं पागलों की तरह, सर पे वो दे रहे हैं बंधन दे रहे हैं। अरे इसकी कोई जरूरत है? हम बैठे हैं ना सामने, इसको ठीक कर रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं। ये अतिशयता जो है इसे छोड़ देना, बीचो बीच रहना। अब कोई अगर बहुत ज्यादा ये सोचे कि मैं तो साहब किसी काम का नहीं हूं, खासकर गजरिया लोग, शराब पीने वाले लोग, शराब पीने वाले हमेशा रोते रहेंगे और कहेंगे कि साहब मुझसे दुखी कोई नहीं, सब दुनिया इनको देख देख दुखी थी। अब ऐसे लोग लेफ्ट में चले गए, ऐसे लोगों को भूत पकड़ लेते हैं। भूत जो अपने को कहता है मैं बड़ा बुरा हूं, मैंने बुरे काम किए, तो सारे बुरे काम वाले आपके खोपड़ी पे आके बैठ जाएंगे। और जो राइट साइड में बहुत जाते हैं इनको भी एक तरह के भूती पकड़ते हैं, पर उनको राक्षस कहिए, जैसे कि हिटलर ने राक्षस बिठाए थे जर्मन लोगों पर, वो राइट साइडेड मूवमेंट कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, हम सबसे महान है और हम चाहे सबकी गर्दन काटे। इस तरह से आंखों पे खून चल जाता है, फिर जिसको चाहे उसको मारते फिरते हैं, उनको लगता है ठीक है हमको मारना ही चाहिए। इस प्रकार के दो तरह के विक्षिप्त लोग अतिशय में आते हैं, और जो अतिशयता अगर ज्यादा हो जाए तो मनुष्य के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए, यह धर्म है। आप इस धर्म का आलंबन क्यों? क्योंकि जो चीज आकाश में उड़ना चाहती है उसमें अगर संतुलन नहीं हो, किसी अगर एरोप्लेन में संतुलन ना हो, एक ही उसमें विंग हो, तो वो 2 मिनट में ठिकाने लग जाता है जब उड़ने लगता है। इसलिए जब मनुष्य में संतुलन होता है तो कुंडलिनी बहुत आसानी से उड़ जाती है। हमारे सर में जैसे मैंने बताया था कि 2 संस्थाएं हैं जिसे हम मन और अहंकार कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में इसे सुपर ईगो और ईगो कहते हैं। ये दोनों की दोनों जाकर के हमारे सर में इस तरह से एक के ऊपर चढ़ जाती है, तब हमारी तालु जो है एकदम से कैल्सिफाइड हो जाती है। ये दोनों ही चीजें इन दो प्रकृति में से निकलती है, एक तो जड़ प्रकृति और एक एक्टिव कार्यशील प्रकृति। और ऐसा कहिए आप कि जिसे हम तमोगुणी कहते हैं और एक रजोगुण, इन दोनों की वजह से ये संस्थाएं तैयार हो जाती हैं। और जब ये एक के ऊपर एक कोई सी भी ज्यादा चढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं
कि कुंडलिनी का बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है, जो कि शुद्ध इच्छा है, तो कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती हुई हर एक चक्र को पूरी तरह से आलोकित करती हुई आखिर ब्रह्मरंध्र में आती है और यहां पे भेद करके और यहां से बाहर निकल आती है। जैसे ही आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी जाती है, शुद्धि से शुरू होता है, पर आज्ञा पे पहुंचते ही साथ हमारे ये जो दोनों संस्थाएं अंदर की तरफ खींच जाती है। इन दोनों चक्रों में विशेष शक्ति है कि ये इन दो संस्थाओं को अंदर की तरफ खींच ले, उसका शोषण कर ले, उसको सुखा दे। उसके कारण तालु की यहां जगह हो जाती और उसमें से कुंडलिनी बाहर निकल पड़ती। अब आत्मा के बारे में हमने सुना है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद। अभी भी अहंकार बहुत ज्यादा है यहां बैठा हुआ। सच्चित और आनंद ये आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सत्य है वो सत्य नहीं जिसे हम सोचते हैं कि ये सत्य है। सोच करके जो जाना गया सो सत्य नहीं होता, क्योंकि विचार एक भ्रामकता कि आप समझ नहीं पाएंगे ये सच्चा है कि झूठा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों फिर इस तरह के झूठे गुरु लोग इतने पनपते दुनिया में? कितने झूठे लोग संसार में कितना ज्यादा आक्रमण कर रहे हैं, कितनी बड़ी जगह लेकर बैठे हुए, ये कैसे घटित होता है, ये क्यों घटित होता है? वजह यह है कि हमको केवल सत्य मालूम नहीं, हम जानते नहीं कि सत्य क्या है। अब समझ लीजिए, हम आपके सामने कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, क्या ये हम सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य के सिवा और कुछ नहीं किसे कह रहे हैं और यही केवल सत्य है? नहीं कह सकते। हो सकता है हम भी कोई झुठला रहे हो, आप हो सकता है, ये भ्रम बना ही रहेगा। कब तक? जब तक आप अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं होते। जब आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत होती है तो नस नस में वो शक्ति बहती है जिसे चैतन्य कहते हैं, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि यह सत्य है या असत्य है। जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने सत्य को किस तरह से जाना। आप भी सत्य को तभी जान सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होकर के आप निर्विकल में समा जाते हैं। उससे पहले आपको हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जहां आप देखते हैं कि इस उंगली में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो क्या हो गया? ये तो आज्ञा की कुंडली, आज्ञा की उंगली है, आज्ञा की उंगली है, तो इसका मतलब ये कि मुझे अहंकार हो गया। अब आके साफ कहेंगे मां मेरा आज्ञा ठीक कर दो, माने मेरा अहंकार ठीक कर दो, पर आप सोचिए किसी आदमी से अगर कह दीजिए काफी दूर खड़े होकर के भी कि तुझे अहंकार हो गया, तो हो गया फिर आप कल्याण आपका। पर स्वयं ही मनुष्य आकर के आपसे कहेगा कि अरे बाप रे, ऐसा मेरा आज्ञा पकड़ रहा है, क्योंकि जो अहंकार एक बार सुखा वह लगता है, आनंददायी लगता है, हाँ हाँ क्या कहने, हमको हार पहना है, बड़ी हमारी सबने बड़ी वाह वाह करी, हमारा जय जयकार हुआ, इससे जो आदमी बहुत खुश हो जाता है, वो पार होने के बाद उसका सर दुखने लग जाता है। जैसा ही उसका अहंकार चढ़ जाएगा, अरे बाप रे इतना सर में दर्द हो रहा है, मां मेरा तो आज्ञा चढ़ गया, तो वो भागता है ऐसी चीजों से जो उसे अहंकार दे। वो फिर प्रयत्न करता है कि किस तरह से मैं अपने अहंकार को न बढ़ने दूं। ये तो मेरे अंदर जैसे कोई एक बलून बैठ गया है, जरा सा कोई अच्छा शब्द कहता फट से चढ़ जाता है मेरे सर पे। तो वो अपने अहंकार से दूर हट के उसे देखता है,
हाँ चढ़ गए फिर घोड़े पर, चलो उतरो। उससे पहले आदमी ये नहीं जानता कि वो अहंकार में बैठा है। जब उसका अहंकार उसे दुख देगा तभी वो समझता है। इस अहंकार की पीड़ा सिर्फ आप आत्म साक्षात्कार के बाद ही जानेगा। आप देखिए कि अगर मनुष्य का अहंकार टूट जाए किसी तरह से तो दुनिया में अमन और चैन हो जाए और शांति आ जाए। दुनिया में बहुत से लोग हाथ जोड़ के बात करेंगे, साहब मैं क्या कहूं, मैं तो आपके चरणों की धूल है और अहंकार इतना बड़ा बोझा सर पे लेकर के, और ऐसे इससे बात करेंगे कि मनुष्य सोचेगा क्या, हो क्या नम्र मनुष्य है। लेकिन एक आत्म साक्षात्कार ही जानता है कि कौन असल में नम्र है, कि चाहे वो चिल्ला चिल्ला कर डांट भी रहा हो तो भी वो जानेगा कि ये नम्रता से ही डांट रहा है। अहंकार का काम दूसरों का नाश करना है, लेकिन वो अपने को भी नाश करता है। तो सत्य को मनुष्य जानता है अपने आत्मा के प्रकाश में, और वो देखता है कि मेरे अंदर यह अहंकार है, उसे वो जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा का ये प्रकाश है जिसमें मनुष्य सत्य को देखता है। किसी ने पूछा, साहब आपने कैसे जाना हमें बीमारी, कैसे जाना हमारे आत्मा के प्रकाश में? हमारे आत्मा के प्रकाश में आप आ गए और हम जान गए कि आपको क्या शिकायत है। यहां बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कारी हैं, कि उनका क्या हाल है। एक दिन निक्सन साहब के बारे में मैंने कहा, जरा निक्सन का हाल तो देखो क्या हो रहा है। उस ने हाथ किया, माँ ये क्या हो रहा है, हमारे तो सारे हाथ झपझप हो रहे। मैं समझ गई, इसलिए मैंने कहा तो पता कर लो तो बाद में तुझे समझ आएगा। मुझे तो समझ आ गया था, लेकिन मैंने कहा ये भी देख ले। सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का, अगर आप आत्मा के प्रकाश में जागरूक। अब हमारे यहां भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान है। आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू है या झूठे हैं? क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से जैसे इनकार था कि फूल भी जाने लग जाती, और जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी आंखें ही नहीं है, तो आप कैसे जानिएगा कि हाथ में फूल भी जा रही है। केवल सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए। आज का सहयोग इस प्रकार हमने बांधा है कि किसी तरह से थोड़ी सी तो भी रोशनी इनके अंदर आ जाए, थोड़ी सी धुंधली सी भी आ जाए, कोई सफाई की जरूरत नहीं। कंदील को पहले सफाई करने की जरूरत नहीं, उसको करते करते जन्म बीत गए। अब पहले इनके कंदील में दीप जला दो, फिर ये खुद ही देखेंगे कि इस कंदील में यहां से दाग है, यहां से दाग है, खुद ही साफ कर लेंगे। जब आत्मा का प्रकाश आता है और मनुष्य जब आत्मा से निगडित हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो देखता है कि मेरे आत्मा का प्रकाश इसके नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा कंदील जरा खराब है, इसको साफ कर लो। और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं। कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए तो कोई नहीं धो सकता।
तो सर्वप्रथम ये जाना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान नहीं सकते। आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए कि चलिए अब यहां पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, फिर और कुछ उठा लेंगे। इस तरह से एक 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 एक, एक, एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं। लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर? मनुष्य ने, मानते हैं? अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा? और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे? बेकार की घरे में ऐसे दीप आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज, वो मिट्टी के दीप टूटे फूटे होते हैं, उनको फेंक देते हैं, उनको कौन जी से लगा के रखेगा। लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहे, उसको संभाला जाता है, ऊपर रखा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जाति का भी है, अगर मनुष्य जाति में ऐसे कुछ लोग हो जाए कि जिनके प्रति परमात्मा जागरूक हो जाए और सोचे कि ये मेरे बेटे बैठे हैं ना, तो सारा संसार बच सकता है। कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है। इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते, सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं। पर वो एक दशा आनी पड़ती है, जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहां नहीं होते, तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं सिर्फ लेक्चर सुनने चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है, और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसे वो जिम्मेदार। अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी, वहां एक प्रोफेसर साहब आए, कहने लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती हूं। दर्शन के लिए पहुंच गए और मैंने देखा बस वो दर्शन करके बस खुश हो गए, अब हो गया दर्शन। क्योंकि प्रोफेसर ने कहा आप क्या कभी पढ़ाती? कहीं हाँ अरे तुम कभी पढ़ाते? कैसे पढ़ाती हैं आप कभी? अब जो लिखा पढ़ाते? अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है, मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो। लेकिन वो नहीं, उनको टाइम नहीं है ना। तब उस जमाने में लाइक तो होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सब्सक्राइब पे थे, एक्स्ट्रा इतना ही फायदा हो सकता है कि कोई लेक्चर उच्चर तो आ जाते हैं लोग, लेकिन उनको टाइम नहीं, क्योंकि एक इश्यू ले लिया उसके पीछे हम लड़ रहे हैं। ये आत्मा का जागरण मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान करता है, क्योंकि सर में कोई विकल्प नहीं रह जाता, अंदर से मनुष्य एकदम शांत हो जाता है। जैसे कि आपने एक रथ का चक्का देखा होगा कि रथ का चक्का परिघी पे सर्कमफेरेंस पे घूमते रहता है, लेकिन इसका बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है उसको तो पूरी तरह से स्थित होना पड़ता है, स्टेडी होना पड़ता है, नहीं तो चल नहीं सकता। जब आप पार हो जाते हैं तो उस मध्य बिंदु पर जाते हैं, नाक खड़े होकर आप देखते हैं सारी पलकी घूमे और आप शांत पड़ा, आप किसी भी चीज से विचलित नहीं होते, आप देखते हैं सारा नाटक और आप विचलित नहीं होते, आपने साक्षी स्वरूप पर आ जाता है। जैसे कि उठते हुए पानी में और गिरती हुई लहरों में मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन नाव में बैठने के बाद वो देखता है मर्त्य उसे। इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा की नाव में बैठ जाता है तो किसी चीज से विचलित नहीं होता, उसमें शांति प्रस्थापित हो जाती है। अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है, और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं आती, क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब
कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। हम लोग कहते चीनी हिंदी भाई भाई है क्या भाई, आज आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। पहले सिख लोग और जो दुनिया में आए तो हिंदुओं के रक्षण के लिए आए, अब एक दूसरे का मुंह नहीं देते। सब दोस्ती कैसे खत्म हो गई, क्या हो गया, हम क्या भूल गए। वजह यह है कि सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है वो ये आत्मा है, या कहना चाहिए कि वो सूत्र ये कुंडलिनी है और आत्मा उसके अंदर एक